सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के नाम पर सेक्रेटेरिएट में वाक़ मसाजिद को शहीद करने पर वरंगल के कांग्रेस अखिलती सेल के कायदीन मोहम्मद अयूब, मोहम्मद फुरखान, मोहम्मद अब्दुल खयूम और दीगर मुस्लिम अराकीन ने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए अपने मकानात पर सियाह परचम लहराया। इस मौके पर मोहम्मद अयूब ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने सेक्रेटेरिएट में वाक़ मसाजिद और मंदिर को शहीद करवाते हुए ये साबित कर दिया कि उन्हें न मुसलमानों और ना ही हिंदुओं की इबादत गाह का एहतराम है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मस्जिद थे उसको कल तेलंगाना सरकार ने डिमोलिश करी। कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन लीडर शब्बीर अली साहब कल मीटिंग करके एक बुलावा दिया है। कांग्रेस पार्टी के हर लीडर अपने अपने घरों पे ब्लैक झंडा उठा के TRS गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी ये मस्जिद गिरा देने के वास्ते आज ब्लैक डे बोल को डिक्लेयर करी। KCR साहब आज कोरोना के टेस्ट करने के वास्ते पैसे नहीं है वो को बोलते हैं, मगर आज सेक्रेटेरिएट बनने के वास्ते करोड़ों रुपये आज खर्चा करके आज सेक्रेटेरिएट नया सेक्रेटेरिएट बनाने के वास्ते उन्होंने काम शुरू करे। एक तरफ से पैसे नहीं है बोलते नए नए काम शुरू कर दे। जो गुजरिया 6 साल के अंदर एक दिन भी सेक्रेटेरिएट को नहीं आया, सो CM को तो है हिंदुस्तान में बोलते वो KCR साहब सेंटीमेंट बोल के एक गवर्नमेंट को उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं रहे कि एक नया काम शुरू करे, ये अच्छा काम नहीं होता बोल को आज शिबिर अली साहब बुलाया दीज उसको वारंगल डिस्ट्रिक्ट के तरफ से अपने घर के ऊपर ब्लैक झंडा उठा के हम भी आज ब्लैक डे मनाए। ये प्रोग्राम में वारंगल के कांग्रेस के लीडर मेरे साथ पूरे लोग शामिल हुए।